असलम डियर स्टूडेंट्स अवर टुडेज टॉपिक इज़ टेक्जुअल क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं आपको टेक्जुअल क्वेश्चन पढ़ाऊँगी कि जो आपकी बुक है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे इन नोट्स में मैंने ऐड कर दिए हैं तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्या है मैच द फॉलोइंग तो इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो उनको सही वर्ड के साथ मैच करना है तो पहला वर्ड है रेर्ट क्या है रेयॉर्ट तो रियार्ट रे के साइड में विलेज है तो रियॉर्ट का असली जो मैचिंग वर्ड है वो विलेज है तो इन चारों में से आपको सही वर्ड ढूंढना होगा जो रेयॉर्ट के साथ मैच होगा तो यही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर मैंने साइड में दिया है जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है वीडियोस में रॉयॉर्ट का मतलब पीजेंट्स है हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया है और ये नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए हैं तो उसमें भी न, मैं आपको भी मैंने आंसर्स यहाँ पे साइड में लिखे हैं रियार्ट का मतलब है पीजेंट का तो महल महला का द, मैचिंग वर्ड है महल का द, मैचिंग वर्ड है विलेज तो निज निज मीन्स कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ऊन लैंड रेयोटी का मतलब है कल्टिवेशन ऑन रेयट्स लैंड रेयोटी का मतलब है कल्टिवेशन ऑन रेड्स लैंड तो ये है पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग तो यहाँ पे हमने वर्ड्स को सही मैच लगाए तो उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका आपके टेक्स्ट का तो तीसरा क्वेश्चन टेक्सट का ये है लिस्ट द मैन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट तो परमानेंट सेटल के बारे में के बारे में हमने पढ़ा है कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आंसर बना दिया है उसका तो आप इस तरह से ये आंसर लिख सकते हो इन ऑर्डर टू गेट ए स्टेबल रिवेन्यू इनकम मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशल्स बिलीवड दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड had to be encouraged and agriculture had to be improved debates on how this was to be done led to the introduction of permanent settlement in 1793 the aim of the settlement was to ensure a regular flow of revenue for, co for the company as per the settlement rajas and tukldars were recognized as zamindars they were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently and it was not to be increased ever in the future. The company believed that as the revenue amount was fixed, the Zimindars would benefit by investing in land improvement. च वुड इन टर्न लेट टू इनक्रीज प्रोडक्शन इफ द जमींदारी फेलर टू पे द रिवेन्यू विच दे यूजली डिड ए फिक रेवेन्यू वॉज वेरी हाई दे लॉस्ट दियर जमींदारी तो ये है दूसरा क्वेश्चन अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं तीसरा क्वेश्चन है हाउ वॉज द माहवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट तो पहले यहां पे मैंने महालवारी सेटलमेंट को अंडरलाइन किया है उसमें द महालवारी सेटलमेंट डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैकेम इन टू इफेक्ट इन 1822 in the इन द नॉर्थ वेस्टर्न Presidency, ऑफ was प्रेजिडेंसी इट on as एज ऑन एज ऑन permanent टू द परमानेंट सेटलमेंट द विलेज हैडमैन व इंचार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू द रिवेन्यू अमाउंट वॉज नॉट फिक्सड एंड वॉज टू बी रिवाइजड पीरियडिकली दस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वॉज एडिट अप टू कैलकुलेट द रिवेन्यू दैट ईच विलेज और मॉल हैड टू पे तो उसके बाद मैंने परमानेंट सेटलमेंट को अंडरलाइन है द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूसड इन सेवनटीन नाइन्टी थ्री बाई लॉर्ड कार्नवाल इट वॉज चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू सॉरी इट वॉज एमड एट इंश्योरिंग स्टेबल रेवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी द राजाज एंड तुगलक दार वेर चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू द रेवेन्यू अमाउंट वॉज फिक्सड एंड वॉज नेवर टू बी इंक्रीजड इन द फ्यूचर तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है गिव टू एग्जाम्पल विच एरोज विथ द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू तो इसका आंसर है अंडर द न्यू मुनरोिक रेवेन्यू द रेवेन्यू ऑफिशल फिक्सड टू हाई रेवेन्यू डिमांड दिस डिमांड कूड नॉट बी मेट बाय दिजेंट कॉन्सिक्वेंटली द पीजेंट फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मेनी रिजन्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है why were ryotas reluctant to grow indigo under the ryoti system the indigo planters forced the ryots to sign an agreement or contract at times the village headman signed the contract on behalf of the ryots those who signed the contract got cash advances at low rates of interest to produce indigo the loan committed the ryot to planters To cultivate indigo on at least 25% of the area under his holding. On delivering the crop to the planter, the riot was given a new loan, and the cycle started again. The peasants realized that this system of growing indigo was, in fact, quite oppressive. The price that they got from the planters for the indigo was very low the loons though tempting at first were part of a vicious cycle from which they could not escape the planters insisted that द पीजेंट कल्टिवेट इंडिगो ऑन द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ देयर लैंड बट द पीजेंट प्रेफर्ड ग्रोइंग राइस ऑन द बेस्ट सॉइल द रीजन फॉर नॉट वॉन्टिंग टू ग्रो इंडिगो वॉज दैट इंडिगो विद इट्स डीप रूट्स एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली सो आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कूड नॉट बी यूजड फॉर सोइंग राइस तो लास्ट क्वेश्चन है what were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in bengal the indigo riots of bengal fled they, fla felt that sorry the indigo riots of bengal felt that they had the support of local zimindars and village headmen in their struggle against the forceful and oppressive methods of the indigo planters they also believed the british government would support them in their struggle. The Lieutenant Governor's tour of the region in 1859 was seen as a sign of government sympathy, while the magistrates' notice starting that Rayots would not be compelled to accept indigo contracts was seen as the declaration by Queen Victoria herself. Many intellectuals too supported the Rayots by writing about their misery, the tyranny of the planters and the horror of the system in march 1859 thousands of riots refused to grow indigo worried worried by the rebellion the government set up the indigo commission to inquire into the system of indigo production the commission held the the commission held the planters guilty and criticized them for their correct